subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. Complete the following statements. Probability of an event E, probability of the event not E is equal to, है ना? दोनों को अगर ऐड करें तो प्लस दो बार लिख दिया है, प्लस ये है, ठीक है। तो सबसे पहले की प्रोबेबिलिटी क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की होने की संभावना, जैसे बारिश हो रही है, मतलब बारिश हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो पहले से ही हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताएं। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे पिछले जो इयर्स बीते हुए हैं उसमें उस दिन बारिश हुई है या नहीं हुई है उसको देखकर हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ ऐसा होगा। बाकी मतलब क्लाउड्स कंडीशन, ये सब चीजें, तो ये तो काफी मतलब मौसम विभाग के हिसाब से थोड़ा कठिन चीज हो गए। लेकिन एक सिंपल चीज जैसे हम लोग सिक्का उछाल रहे हैं या हम लोग डाइस रोल कर रहे हैं, उस केस में हमें पता है कि सिक्के के दो ही फेसेस होते हैं, डाइस के छह ही फेसेस होते हैं, उस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ही बेसिक थ्योरी होती है कि कोई भी इवेंट ई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई ये वन होता है। कुछ बुक्स में इसी को इस तरह लिखते हैं, पीई प्लस पीई बार, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हमेशा वन होता है। अरे यार, टोटल प्रोबेबिलिटी की बारिश हो सकती है या बारिश नहीं हो सकती है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो वन ही होगी। प्रोबेबिलिटी परसेंटेज की तरह है, जैसे परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी आप बिल्कुल फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप फ्रैक्शन में करेंगे तो फ्रैक्शन आपका 0/1 से लेकर, मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी है वो 0/1 से लेकर 1/1 होगा, जिसको हम लोग यार 0/1 लिखने में मजा नहीं आएगा तो हम लोग 0 लिख लेते हैं, 1/1 को हम लोग 1 लिख देते हैं, और बाकी जो बीच की प्रोबेबिलिटी है वो किसी ना किसी फ्रैक्शन में होंगी, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना? तो अब जो भी चीज इसके अंदर होगी 0 से 1 के बीच में, आप चाहे तो नंबर लाइन में देख लीजिए, 0 से लेके 1 के बीच में जो भी चीजें होंगी वो डेसिमल में होंगी या उन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। अब उसके बाद परसेंटेज में भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0% से लेकर 100% तक जाएगी, ठीक है ना? तो इसीलिए ये भी एक बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इसकी वजह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर क्या लिखेंगे, 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन, पक्का है कि जैसे कि आपका सूरज है वो पश्चिम से निकले तो ये तो कभी नहीं हो सकता है, तो इस तरह के इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जैसे सूरज आपका पूर्व से उगे, सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, है ना, तो हमारे लिए पक्का है कि ईस्ट से ही निकलेगा, तो ऐसे इवेंट में प्रोबेबिलिटी 1 आती है। अच्छा, जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता है ऐसा इवेंट कहलाता है इम्पॉसिबल इवेंट, है ना, और इम्पॉसिबल, अच्छा चलो आई छोटा लिखना पड़ेगा, है ना, तो सब कुछ बड़ा लिखो, इम्पॉसिबल इवेंट। और यहां पे जो इवेंट पक्का है कि होगा ही, तो ऐसा इवेंट कहलाता है श्योर इवेंट, या फिर आप यहीं से वर्ड उठा लीजिए, चाहे आप श्योर इवेंट बोल लीजिए और चाहे आप ये वर्ड उठा लीजिए सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। जो पक्का है कि होगा वो श्योर इवेंट, जो पक्का है कि नहीं होगा वो इम्पॉसिबल इवेंट। तो अभी और पार्ट्स हैं उन्हें लिखते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब पहली बात तो हम लोग एलिमेंट्री इवेंट्स को समझते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर कई इवेंट पॉसिबल हैं, कई आउटकम पॉसिबल हैं, तो उन्हें एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। जैसे
अब हमारे पास ये बर्तन है या बैग है जिसमें बॉल्स पड़ी हुई हैं। किस किस कलर की बॉल है देख लेते हैं। ब्लैक कितनी है? दो है ना। व्हाइट कितनी है? एक है ना, ये व्हाइट, इसको व्हाइट मान रहा हूं मैं। और रेड कितनी है? तीन है। ब्लू कितनी है? चार है। अपनी तरफ से इवेंट मान रहा हूं मैं। तो अब इसके एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब हुआ कि भाई हम एक व्हाइट बॉल निकालें तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो व्हाइट बॉल का निकलना एक एलिमेंट्री इवेंट होगा। तो व्हाइट बॉल कितनी है? एक है। और टोटल बॉल्स कितनी है? बस इसी तरह प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। टोटल बॉल्स कितनी है यहां पे? वो है 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल हो जाएगी 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल हो जाएगी 2/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल हो जाएगी 3/10। इतना इजी है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल क्या हो जाएगी? 4/10। और इसमें अच्छा होता है कि हम इसे थोड़ा सा लीस्ट फ्रैक्शन में रखें ताकि ये को प्राइम हो आपस में, और ये 2/5। अब द सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज फोर एलिमेंट्री इवेंट्स क्या हो जाएगा? इसको 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 जोड़ दें या इसको 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 जोड़ दें, एक ही बात है। तो मैं तो ये कर रहा हूं, 1/10 प्लस 2/10 प्लस 3/10 प्लस 4/10। तो क्या हो जाएगा? नीचे डिनोमिनेटर में 10 ही आएगा, ऊपर 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। तो ये हो गया 1। हमेशा जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हैं उन सबको एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं, और उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी देखें तो वो 1 ही होती है। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, तो ये तो बहुत आसान है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो पक्का है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज लेस देन इक्वल टू 1। तो बस ये तो बहुत आसान था। सो दिस इज डन नाउ।